तशरीफ़ लाए और एक ख़ास मुद्दत के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए आपको भेजा गया, और क़यामत तक के लिए लोगों पर ये ज़रूरी करार दिया गया कि वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, आपकी इताअत व फरमाबरदारी करें और आपकी इत्तिबा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने जो रसूल भी भेजा वो इसलिए भेजा ताकि अल्लाह के हुक्म से उनकी इताअत की जाए। तो रसूल को भेजने का मकसद ही ये है कि उनकी पैरवी की जाए, उनकी बात को माना जाए। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे लिए उस्वा हैं, तुम्हारे लिए आइडियल हैं। गोया के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए उस्वा बनाकर भेजा, और उस्वा इसलिए बनाकर भेजा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस्वे के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों में रंग भरें, हमारे अकायद, हमारी इबादतें, हमारे मामलात सब के सब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक हों। आप मकान तामीर करवाते हैं, घर का नक्शा बनवाते हैं और मामार को देते हैं, ठेकेदार को देते हैं कि भाई ये नक्शा है घर का और इस तरह का तुम्हें मकान तामीर करना है। वो लेबर को लगाता है और आपसे कहता है कि ठीक है आपका मकान तैयार हो जाएगा। लेबर को लगाता है, काम शुरू करवाता है, आपने उसको एक नक्शा दिया हुआ है, वो घर बनवा रहा है, कोई शख्स वहाँ से गुज़रा, देखने में मुत्तकी और परहेजगार लग रहा है, शरीफ लग रहा है, समझदार लग रहा है, उसने कहा कि आप जो ये घर बना रहे हैं बहुत अच्छा है, नक्शा भी बहुत अच्छा है, मगर इसमें ये कमरा यहाँ की जगह, नक्शे में तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ की जगह यहाँ दिया होता तो बेहतर रहता। वो ठेकेदार उसकी बात मान ले कि भाई बात तो इसकी सही लग रही है और चेहरे से भी समझदार लग रहा है। कोई दूसरा शख्स गुज़रा, उसने कहा कि ये जो बाथरूम है यहाँ की जगह अगर यहाँ होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहता, उसने उसकी बात मान ली। एक और तीसरा शख्स गुज़रा, उसने भी कोई राय दी, उसकी भी बात मान ली। एक और चौथा शख्स गुज़रा, उसने भी राय दी, इसने उसकी भी बात मान ली। यानी जो भी आया उसकी बात वो मानता रहा और उस नक्शे का ख्याल नहीं किया। मकान तामीर उसने किया, पूरी मेहनत की, लेबर को लगाया और जब मकान तैयार हो गया आपके पास आया कि जनाब वाला ये लीजिए, आपने जो हुक्म दिया था आपका मकान तैयार है, आप मकान देखने के लिए आते हैं, नक्शे को देखते हैं और मकान को देखते हैं तो आपको तब्दीली नज़र आती है, नक्शा जिस तरह का था मकान उस तरह का तामीर नहीं हुआ है। तो मेरे भाइयों आप बताइए, आप नाराज़ होंगे या खुश, उसको इनाम से नवाजेंगे, उसका मेहनताना उसको देंगे या उस पर खफा होंगे और उससे मज़ीद वसूल करने की कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों यकीनन आप खफा होंगे, आप नाराज होंगे, आप ये कहेंगे कि मैंने जो अपने मकान के लिए नक्शा दिया था तुमने उस नक्शे के मुताबिक काम नहीं किया, तुमको मेरे नक्शे का लिहाज रखना चाहिए था। मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्वा बनाकर भेजा है, नमूना बनाकर भेजा है ताकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہم اپنے عقائد بنائیں، ہم اپنے معاملات بنائیں، ہم اپنی عبادتیں بنائیں۔ جب ہمارے عقائد، ہمارے معاملات، ہماری عبادتیں، تمام کی تمام چیزیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گی، تب تو اللہ خوش ہوگا، اور اگر تبدیلی پائے گئی تو اللہ رب العالمین ناراض ہوگا کہ میں نے تمہارے لیے آئیڈیل جو بنا کر بھیجا تھا، وہ اپنے رسول کو بنا کر بھیجا تھا، تم نے ان کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، بار بار اس بات کی یاد دہانی کروائی ہے، سینکڑوں جگہ سینکڑوں جگہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی یاد دہانی کروائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور سننے کے باوجود تم منہ مت پھیرو۔ یعنی جب تمہارے کانوں میں بات پڑ گئی اور تمہیں علم ہو گیا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اس کے رسول کا یہ حکم ہے، تو جانتے بوجھتے ہوئے پھر تم روگردانی مت کرو، تم منہ مت پھیرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لوگو نماز پڑھو، زکات دو، اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اگر تم نماز پڑھو گے، زکات دو گے اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو گے، تو تم اس بات کے حقدار ٹھہرو گے کہ اللہ رب العالمین تم پر رحم کا معاملہ فرمائے۔ پتہ یہ چلا، جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں ان پر رحم کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دیں، یعنی جس چیز کا حکم دیں اس کو تم لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے تم رک جاؤ، اس سے تم رک جاؤ۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس قدر عزیز ہے اللہ رب العالمین کو، اس قدر محبوب ہے اللہ رب العالمین کو، اور اس قدر مطلوب ہے اللہ رب العالمین کو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا۔ اندازہ لگائیں، نبی کی اطاعت و فرما برداری اللہ تعالیٰ کو کس قدر عزیز ہے، کس قدر مطلوب ہے، اور اس کا کیا درجہ اور کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت و فرما برداری کو اپنی اطاعت و فرما برداری قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ گویا جو لوگ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ رسول کی بات نہیں مانتے، وہ صرف رسول کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کی بھی نافرمانی کرنے والے ہیں، کیونکہ رسول کو اللہ نے بھیجا ہے، رسول اللہ کا انتخاب کردہ ہے، رسول کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ لہٰذا جو رسول کی بات نہ مانے وہ دراصل اللہ کی بات نہیں مانتا، اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی فرما برداری کرتا ہے، وہ دراصل صرف رسول کی نہیں ماننا بلکہ ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری بھی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میں نے مثال کے طور پر آپ کے سامنے چند آیتیں پیش کی ہیں، ورنہ قرآن مجید میں
इस माना की बेशुमार आयतें हैं, बहुत सारी आयतें हैं। अभी ये मैंने मिसाल के तौर पर सिर्फ चंद आयतें आपके सामने पेश की हैं, वरना इस माना की कि रसूल की इताअत करनी चाहिए कुरान मजीद में और सैकड़ों बीसियों जगह इस तरह की आयतें मौजूद हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ठीक है, हम रसूल की बात मानते हैं, हम रसूल की इताअत करते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जिसमें हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं, बहुत सारे मसाइल में इख्तलाफात हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ की वजाहत कर दें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं वो किस किस तरह की हो सकती हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें किस किस तरह की हो सकती हैं। देखिए, जिस चीज़ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया गया उसको कहा जाता है हदीस। हदीस किसे कहा जाता है? जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल बयान हुआ, फरमान, या आपका अमल, तो आपसे मुतालिक जो भी चीज़ है वो शरई इस्तलाह में हदीस कहलाती है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है वो सुन्नत कहलाता है। सुन्नत की कितनी किस्में हैं, यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हम पैरवी करेंगे, जो इताअत करेंगे, वो हम तक किस किस अंदाज में पहुंच सकती है? क्या ऐसा है कि नबी ने जो ज़बान से फरमाया उसी पर अमल करना है? क्या ऐसा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो करके दिखाया उस पर भी अमल करना है? आइए इसको देख लेते हैं, इसकी चंद मिसालें, मिसाल के साथ उन चीज़ों को आपके सामने बयान कर दिया जाए। मेरे भाइयों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तीन तरह की है, तीन तरह की सुन्नत। एक होती है सुन्नत कौली। सुन्नत कौली का मतलब यह है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी ज़बान रिसालत से फरमाया, आपने अपनी ज़बान से जो फरमाया उससे जो मसला अख्ज़ होता है, उससे जो चीज़ पता चलती है, वो क्या कहलाती है? सुन्नत कौली। इसकी मिसाल अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام الا يذكر اسم الله عليه। रवाह मुस्लिम। फरमाते हैं हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह से शुरुआत न करे तो शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है, शैतान उस खाने को अपने लिए हलाल कर लेता है अगर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान से एक बात फरमाई, उससे हमें यह पता चला कि खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, और अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो उसके खाने में शैतान शरीक हो जाता है। इसी तरीके से एक और मिसाल देख लें, बुखारी शरीफ की हदीस, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जिस तरीके से तुम मुझे पढ़ता हुआ देखते हो, यानी जैसे मैंने नमाज पढ़ी है, जिस तरीके से मेरी नमाज का तरीका है, इस तरीके से तुम नमाज पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान से एक बात फरमाई, और वो क्या फरमाई कि नमाज तुमको किस तरीके से पढ़नी है? मेरे तरीके के मुताबिक, यानी नमाज नबवी होनी चाहिए। नमाज कौन सी होनी चाहिए? नमाज नबवी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से फरमाया, तो ये क्या है? सुन्नत कौली। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका पता चलता है उस चीज़ से जो आपने अपनी ज़बान से फरमाया या ज़बान से हुक्म दिया। एक और मिसाल ले लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस, सल्लू कबला सलातिल मगरिबी, सल्लू कबला सलातिल मगरिबी, सल्लू कबला सलातिल मगरिबी लिमन शाह, मगरिब की जमात से पहले नमाज पढ़ो।
اور ابو داود میں وضاحت ہے, آپ نے فرمایا سلو قبل المغربی رکعتین وقال فی الثالثۃ لمن شاء, رواہ ابو داود. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز تین مرتبہ فرمائی اور تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا لمن شاء, کہ جو شخص پڑھنا چاہے وہ پڑھے. یعنی آپ کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو ضروری سمجھ لیں, لازم سمجھ لیں. تو لازم تو نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھی جائے, اور تیسری بار آپ نے فرمایا کہ جو پڑھنا چاہے وہ پڑھے, اور اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھنی ہے, یہ کیسے پتا چلا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے فرمائے ہوئے ایک جملے سے, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے ایک فرمان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھنی چاہیے. اور یہ دو رکعت جو ہیں یہ کیسی ہیں؟ یہ مستحب ہیں, انسان پڑھے تو اچھی بات ہے, اور اگر چھوڑتا ہے تو گناہگار نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ سنت قولی, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے جو پتہ چلتا ہے. ایک اور قسم ہے سنت کی, وہ ہے سنت فعلی. سنت فعلی کا مطلب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اس سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طریقے سے کرنا چاہیے, یہ کہلاتی ہے سنت فعلی. مثال کے طور پر اس تعلق سے ایک مثال لے لیں. عن نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمت للصلاۃ فاذا استوینا کبر, رواہ ابو داود. ابو داود کی یہ حدیث, فرماتے ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے, یعنی جب ہم صف بندی کرتے, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہماری صفوں کو درست کروایا کرتے تھے, ہماری صفوں کو سیدھا کروایا کرتے تھے. اور جب ہم اپنی صفوں کو بالکل سیدھا کر لیتے تب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ اکبر کہتے. تو آپ علیہ الصلاۃ صفوں کو سیدھا کرنا چاہیے, کیسے پتا چلا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے. آپ کی اس تعلق سے سنت قولی بھی ملتی ہے, یعنی آپ نے زبان سے بھی فرمایا لیکن عمل سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا کروایا کرتے تھے. ایک اور مثال لے لیں سنت فعلی کی. بخاری شریف کی حدیث, عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسہ من الرکوع رفعہما کذلک, متفق علیہ. فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو نماز کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا کرتے تھے. نماز کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا کرتے تھے, اپنے ہاتھ کو مونڈوں تک اٹھایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تب بھی رفع یدین کیا کرتے تھے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی رفع یدین کیا کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ سجدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے. بخاری حدیث نمبر 735, بخاری حدیث نمبر 735, 736, 737, 738, 739, 740, لگاتار یہ حدیث جو ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین کے تعلق سے ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں شروع میں رفع یدین کرتے, رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرتے, رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے بخاری کی اس حدیث ہی میں, حضرت عبداللہ ابن عمر دو رکعتوں سے کھڑے ہوتے تب بھی رفع یدین کرتے, اور فرماتے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا ہی کیا ہے. تو چار جگہ رفع یدین کرنا جو یہ ثابت ہوا, یہ کس چیز سے ثابت ہوا؟ سنت فعلی سے.
यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीका था, आपने इस तरीके से करके दिखाया। आपने ये भी फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जिस तरीके से मुझे पढ़ता हुआ देखते हो, और आपने ये भी फरमाया कि नमाज ऐसे पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ता हूं, और आपने अपने अमल से भी करके दिखाया कि नमाज तुम्हें किस तरीके से पढ़नी है। तो रफेदैन का सबूत कैसे मिलता है? सुन्नत फैली से। एक और किस्म है इसकी, सुन्नत तकरीरी। ये सुन्नत तकरीरी क्या है? सुन्नत तकरीरी ये है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया, किसी सहाबी ने कोई काम किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके उस अमल को देखकर खामोश रहे, तो ये क्या है? सुन्नत तकरीरी। आपका खामोश रहना, अल्लाहु अकबर, ये भी दलील है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खामोश रहना यह भी दलील है, क्योंकि यह चीज नामुमकिन है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कोई काम किया जाए, कोई गैर शरई काम किया जाए, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर खामोश रहे। लिहाजा अगर किसी सहाबी ने कोई काम नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में किया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे देखकर खामोश रहे, या आपने वजाहत तलब की और सहाबी ने वजाहत कर दी अपने काम की और फिर आप खामोश हो गए, उस पर कोई एतराज नहीं किया, तो वो चीज हमारे लिए भी दलील बन जाती है, वो चीज हमारे लिए भी सुन्नत बन जाती है। क्योंकि ये चीज हो ही नहीं सकती कि अगर वो मामला गलत होता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर खामोश रहते। इसकी एक मिसाल ले लेते हैं, सिर्फ एक मिसाल। अन कैस इब्न अम्र रदियल्लाहु अन्हु काल रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन युसल्ली बादा सलात सुबह रकअतैन, फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात सुबह रकअतान, फकाल रजुलु इन्नी लम अकुन सल्लैतु रकअतैन लतैनी कबलहुमा फसल्लैतुहुमा अलआन फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहु अबू दाऊद। फरमाते हैं हज़रत कैस बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजर की नमाज़ पढ़ाई, और फजर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स दो रकत नमाज पढ़ रहा है। आपने कहा भाई फजर की नमाज तो दो रकत है सिर्फ, अब ये तुम कौन सी पढ़ रहे हो? यानी तुमने हमारे साथ नमाज पढ़ी है, अब उसके बाद ये तुम दो रकत कौन सी पढ़ रहे हो? फजर की जमात के साथ जो होती है वो तो फर्ज जो है कितनी है? सिर्फ दो। तो अब तुम कौन सी पढ़ रहे हो? तो उन सहाबी ने ये कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमात से पहले जो दो रकतें सुन्नतें होती हैं वो मैं नहीं पढ़ सका था, लिहाजा मैंने उनको अब पढ़ा है। तो आप खामोश हो गए। क्या है हदीस के अल्फाज? फसकता, आपने खामोशी इख्तियार फरमाई। तो इससे यह पता चला कि अगर किसी की फजर से पहले की दो सुन्नतें छूट जाती हैं तो वो कब पढ़े? फजर की नमाज के बाद, जमात के बाद। बाज़ लोगों का यह तरीका है कि वो मस्जिद में अगर इस हाल में दाखिल हुए कि जमात हो रही है और उन्होंने सुन्नतें नहीं पढ़ी हैं, तो वो पहले अपनी दो रकत अलग पढ़ते हैं फिर जमात में आते हैं। ये तरीका गलत है, क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तकरीरी से यह पता चलता है कि उन दो रकातों को कब पढ़ा जाएगा? जमात के बाद, जमात के होते हुए कोई नमाज नहीं होती। मुस्लिम शरीफ की हदीस, इदा उकीमत सलातु फला सलाता इल्लल मक्तूबा, जब फर्ज नमाज के लिए इकामत कह दी जाए तो उस फर्ज नमाज के अलावा कोई नमाज सिरे से नहीं होती। जब फर्ज नमाज खड़ी हो गई तो न सुन्नत की अहमियत है, न नवाफिल की अहमियत है, न वितर की अहमियत है। उस वक्त अगर अहमियत है तो सिर्फ और सिर्फ उस फर्ज नमाज की जिसके लिए इकामत कही गई है। लिहाजा उस वक्त सिर्फ फर्ज नमाज में आप शामिल हो सकते हैं अगर आपकी दो रकातें सुन्नतें छूट गई हैं फजर से पहले वाली, तो उसको आप जमात के बाद पूरी करें। मेरे भाइयों, ये मैंने आपके सामने सुन्नत की मुख्तलिफ किस्में बयान की।
अब यहाँ पर एक मसला ये उठता है कि बहुत सारे मसाइल में हम मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात हैं, हम उन मामलात में क्या करें। आज आप देखें मुसलमानों के इख्तलाफात, अकीदे में मुसलमानों में इख्तलाफ, नमाज के तरीक़े में मुसलमानों में इख्तलाफ, रोज़े में मुसलमानों में इख्तलाफ। बास कहते हैं कि रोज़े से पहले ज़बान से नियत करनी है, तो हम ये कहते हैं कि नहीं, ज़बान से नियत नहीं है। आप देख लें मुसलमानों में इख्तलाफात इस कदर के इख्तलाफात की बुनियाद पर मुसलमानों के दरमियान मसाजिदें अलग होने लगीं, मुसलमान अपने अपने मसलक के हिसाब से मस्जिदें तामीर करने लगे, और इन इख्तलाफात की बुनियाद पर मुसलमान एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने लगे। वो कहता है कि मेरी तरफ आ जाओ, मैं सही हूँ, वो कहता है मेरे मसलक वालों की तरफ आ जाओ, फुला कहता है मेरे मसलक वालों की तरफ आ जाओ। आइए कुरान और हदीस से पूछते हैं कि हमें बताया जाए कि जब हमारे दरमियान इख्तलाफात हो जाएं, जब किसी शरई मसले में हमारे दरमियान इख्तलाफ हो जाए, तो हमें इख्तलाफ को हल किस तरीके से करना है। मेरे भाइयों, कुरान और हदीस से यह पता चलता है कि किसी मसले में अगर हमारे दरमियान इख्तलाफ होता है तो उस इख्तलाफ को हल करने का वाहिद रास्ता यह है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी की जाए। आज मुसलमान कहते हैं कि इख्तलाफात का हल क्या हो, हमारे लड़ाई झगड़े किस तरीके से ख़त्म हों, लेकिन इख्तलाफात को ख़त्म करने का कुरान मजीद में जो नुस्खा बताया गया है, हदीस शरीफ में जो नुस्खा बताया गया है, उस पर अमल नहीं किया जाता। इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए सबने अपने अपने उसूल बना रखे हैं, सबने अपने अपने पैमाने बना रखे हैं, लेकिन एक पैमाना वो है जो कुरान और हदीस ने हमको अता किया है। आइए उस पैमाने का तस्करा करते हैं कि कुरान और हदीस हमें अपने इख्तलाफात को किस तरीके से ख़त्म करने की दावत देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नमा कान कौलुल मुमिनीना इज़ा दुउ इलल्लाह वरसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अतअना। फरमाया, अहले ईमान का कौल तो ये होता है जब उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए ताकि वो उनके मामलात में फैसला कर दें, उनमें जिन चीज़ों में झगड़ा हो रहा है, उनमें जिन चीज़ों में तनाज़ो हो रहा है, कि जब उन चीज़ों में फैसला करने के लिए उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है, यानी कुरान और हदीस की तरफ। अल्लाह हमारे सामने मौजूद नहीं है, अल्लाह हमारे सामने अपने वजूद के हिसाब से नहीं है कि उसके सामने जाएं और कहें अल्लाह हमारे इख्तलाफात को खत्म कर दे। आज रसूल की शख्सियत हमारे सामने नहीं है, बल्कि अल्लाह से मुराद कुरान मजीद और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक। तो फरमाया कि जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है तो उनका कौल ये होता है, उनकी ज़बान पर ये बात आती है, समिअना व अताअना, हमने सुन लिया और हमने इताअत कर ली। यानी उनके कानों में रसूल की बात आए, अल्लाह की बात आए, तो वो अपने अपने झगड़ों को ख़त्म कर देते हैं, वो अपने इख्तलाफात को ख़त्म कर देते हैं, और सब के सब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व पैरवी करने वाले बन जाते हैं। एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपसी इख्तलाफात को ख़त्म करने का नुस्खा बताया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम। ए अहले ईमान, तुम अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और जो साहिब हुकूमत हैं, जिनके पास हुकूमत है, उनकी इताअत करो। यानी कौन? हुकुमरान। अइम्मा मुराद नहीं है इससे, उलिल अम्र से मुराद अइम्मा नहीं है, उलमा नहीं है। अगर अइम्मा मुराद होते तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता अहले ज़िक्र का, जैसे है दूसरी जगह फ़सअलू अहले ज़िक्री, अहले ज़िक्र से पूछ लो अगर तुम्हें इल्म नहीं है।
तो उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल होते अहले जिक्र के, उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल होते उलमा के, कुरान मजीद में बकायदा लफ्ज उलमा भी इस्तेमाल हुआ है, तो उनके लिए अल्लाह डायरेक्ट लफ्ज इस्तेमाल करता उलमा का। लेकिन इसमें तीसरा जो लफ्ज है उलिल अम्र, इससे मुराद है कौन? हुकुमरान, हाकिम वक्त, मुस्लिम हाकिम, उसकी भी इताअत तुम पर जरूरी है। तीन लोगों की इताअत का हुक्म दिया अल्लाह ने, किसकी? अल्लाह की, रसूल की और हाकिम वक्त की। लेकिन आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूली इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। और सुनो, अगर तुम में किसी चीज में झगड़ा हो जाता है, अगर तुम में किसी चीज में तनाजो होता हो जाता है, यानी तुम्हारे दरमियान किसी मामले को लेकर अगर इख्तलाफात हो जाते हैं, तो तुम्हें क्या करना है? अपने मामले को अल्लाह और उसके रसूल की अदालत में ले जाना है। अपने झगड़े को, अपने तनाजों को, अपने इख्तलाफात को अल्लाह और उसके रसूल की अदालत की तरफ ले जाओ, यानी कुरान मजीद पर पेश करो, हदीस रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश करो। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, गौर करने की बात यह है, अल्लाह ने जब लफ्ज इताअत का हुक्म दिया तो अल्लाह ने अपनी इताअत, रसूल की इताअत के साथ साथ हाकिम वक्त का भी जिक्र किया। लेकिन जब झगड़े को सुलझाने की बात आई, इख्तलाफात को खत्म करने का मामला आया कि किसी मामले में तुम में इख्तलाफात हो जाएं, तो अल्लाह ने हाकिम वक्त को किनारे लगा दिया और उस वक्त सिर्फ दो का तज़किरा किया, अपना और अपने रसूल का, यानी कुरान और हदीस। क्योंकि इख्तलाफात को खत्म करने के लिए दो ही चीज है, कुरान और हदीस। अगर कुरान और हदीस के जरिए अपने फैसले करोगे, अगर कुरान और हदीस के जरिए अपने इख्तलाफात को खत्म करोगे, तो इख्तलाफात खत्म हो सकते हैं। और अगर कुरान और हदीस को छोड़कर किसी और के जरिए इख्तलाफात को हल करने की कोशिश गई, तो इख्तलाफात हल नहीं होंगे। वो कहेंगे हमारे इमाम बड़े हैं, इनके मसलक में आ जाओ, इनका कौल राजे है, तो हमारे इमाम सबसे पहले हैं। तो दूसरे साहब कहेंगे कि नहीं, हमारे इमाम साहब की खिदमात ज्यादा हैं, हमारे इमाम साहब के पास इल्म ज्यादा था, लिहाजा हमारे इमाम साहब का जो फतवा है उस पर अमल करो। तीसरे साहब कहेंगे नहीं, हमारे इमाम साहब ज्यादा बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, वो बड़े तकवे वाले थे, लिहाजा इख्तलाफात को खत्म करना है तो आइए हमारे इमाम के कौल पर अमल कर लीजिए। चौथे साहब कहेंगे नहीं, हमारे इमाम साहब अगरचे आखिर में आए हैं, लेकिन उनकी खिदमात ज्यादा हैं, हदीस पर भी उनकी खिदमात हैं, लिहाजा तुम अपने अपने इमामों को छोड़ो, मेरे इमाम की बात मान लो। मेरे भाइयों, इख्तलाफात कभी भी हल नहीं हो सकते। जब शख्सियात की बात आएगी तो हर शख्स अपनी शख्सियत को आला करके दिखाएगा, अपनी शख्सियत को बड़ा कर दिखाएगा। वो कहेगा मेरे इमाम बड़े, वो कहेगा मेरे फकीह बड़े, वो कहेगा मेरे फकीह बड़े, वो कहेगा मेरा मसलक ज्यादा बेहतर है। इसलिए अगर इख्तलाफात को खत्म करना है तो चार झंडों को खत्म कीजिए और सब के सब सिर्फ एक झंडे की तरफ दावत दीजिए, और वो झंडा होना चाहिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपने इख्तलाफात को खत्म किया जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान पर, आपकी असमत पर, आपकी रिसालत पर सब का ईमान है। कोई शख्स एतराज नहीं करेगा कि भाई अपने रसूल को हमारे इमाम के सामने कैसे खड़ा कर दिया। नहीं, बल्कि नबी की शख्सियत मुत्तफक अलैह है, उन पर इख्तलाफ नहीं हो सकता। अगर मुसलमान जमा हो सकते हैं, अगर मुसलमान मुत्तहिद हो सकते हैं, तो वो सिर्फ एक नाम है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। वरना आप देखिए, अपने अपने इमामों की करने के चक्कर में लोगों में इस कदर तासुब हो गया कि इन्होंने बातें घड़ ली कि हमारे इमाम साहब जो हैं वो इस उम्मत का चिराग हैं। हदीस घड़ ली, रिवायत, जबकि ऐसी कोई चीज है नहीं।
लेकिन अपने इमाम की शान बताने के लिए क्या कहा, मेरे इमाम साहब जो हैं वो क्या हैं, इस उम्मत का रोशन चिराग हैं। तो दूसरे ने घड़ी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस उम्मत पर सबसे ज्यादा, इन्होंने ही दूसरे लोगों ने घड़ी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस उम्मत पर सबसे ज्यादा नुकसान दे जो होगा वो फला होगा, उसके इमाम का नाम लिया। अपने इमाम को चिराग भी बताया और साथ में दूसरे इमाम को नुकसान देह भी बताया कि ये उम्मत के लिए सबसे ज्यादा नुकसान देह है। तो जब शख्सियात की बात होगी, अइम्मा की बात होगी, सब अपनी अपनी शख्सियात को ऊंचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम कहते हैं मुसलमानों, अगर इख्तलाफात को ख़त्म करना है तो वो एक ही शख्सियत है जिस पे इख्तलाफ नहीं हो सकता, जिसके नाम के सामने सबके सर झुक जाएंगे, जिनकी अजमत पर, जिनके एहतराम पर किसी को इख्तलाफ नहीं है, वो शख्सियत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो शख्सियत वो है जिसको अल्लाह ने आफताब बनाकर भेजा है, वो शख्सियत वो है जिसको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है, वो शख्सियत वो है जिसको अल्लाह ने मेराज पर बुलाया था, वो शख्सियत वो है जिसने बैतुल मुकद्दस में तमाम अंबिया इकराम की इमामत फरमाई, वो शख्सियत वो है जिसको पत्थरों ने सलाम किया, वो शख्सियत वो है जिसको दरख्तों ने सलाम किया, वो शख्सियत मेरे भाइयों वो है कि जिस शहर में वो थे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस शहर की कसम खाई, वो शख्सियत वो है कि जिनके घोड़े की रकाब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थामा करते थे, वो शख्सियत वो हैं कि जिनके सामने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया करते थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके अलावा कोई और शख्सियत ऐसी नहीं है कि जिनका, जिनकी शख्सियत जो है मुत्तफक अले हो, जिनकी शान मुत्तफक अले हो। लिहाजा अगर हम चाहते हैं अपने इख्तलाफात को ख़त्म करना तो किसके ज़रिए करें, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। अगर हम अपनी शख्सियात की तरफ बुलाएं, अगर हम ये कहें कि आओ शेखुल इस्लाम इबन तैमिया की ही मानो, तमाम मसाइल में सिर्फ उनकी तकलीद करो, अगर हम ये कहें अल्लामा इब्न कय्यिम की मानो, हाफिज इब्न हजर की मान लो, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की मानो, अगर हम इन शख्सियतों की दावत दें तो मेरे भाइयों हमारी बातों को रद्द कर दिया जाए, हम पर एतराजात किए जाएं, लेकिन हम इन शख्सियात की तरफ नहीं बुलाते। बाज़ मामलात में हम तरजीही तौर पर उनके फतवों को पेश कर सकते हैं, उनके अकवाल को पेश कर सकते हैं, लेकिन बाकायदा इत्तिबा के लिए जिस शख्सियत की तरफ हम लोगों को दावत देते हैं वो शख्सियत हमारे पास सिर्फ एक है, और वह शख्सियत है मदीने के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यकीन जानिए ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक के अपने आपसी इख्तलाफात को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हल ना करवाया जाए। नबी की इत्तबा, नबी की पैरवी अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस कदर अजीज है कि अल्लाह ताला ने अपनी कसम खाकर फरमाया। पता है अल्लाह ताला ने बहुत कम जगह कुरान मजीद में खुद अपनी ज़ात की कसम खाई है, गिनी चुनी जगह, वरना अल्लाह ताला ने ज़्यादातर जगह अपनी मखलूकात की कसम खाई है। अल्लाह के लिए जायज़ है, रवा है, वो खालिक है, उससे बड़ा कोई नहीं, वो जिसकी चाहे कसम उठाए, कहीं आसमान की खाई, कहीं वत्तीन कहा, कहीं वज़ैतून कहा, मुख्तलिफ कस्में अल्लाह ने खाई, चंद जगह अल्लाह ने खुद अपनी कसम खाई है। अल्लाह ताला ने एक मकाम पर अपनी कसम खाकर फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमू का फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अन्फुसिहिम हरजम मिम्मा कदैता व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया ए नबी आपके रब की कसम है, यानी अल्लाह ताला खुद अपनी कसम खाकर फरमाता है। क्या कसम खाई? कसम खाकर क्या फरमाया? कहा लोग उस वक्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते। सोचे मुसलमान,
टटोलें अपने ईमान को, अपना मुहासबा करें, अपना जायजा लें। अल्लाह कुरान मजीद में क्या फरमा रहा है, ये मामूली अल्फाज नहीं है, ये मामूली अल्फाज नहीं है। अगर सोचा जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बहुत बड़ी बात कह दी। लोग ईमान वाले नहीं हो सकते कब तक, जब तक के वो अपने अंदर तीन चीजें पैदा ना कर लें। पहली चीज, पहली सिफत, उनमें जो आपसी इख्तलाफात हैं, अपने उन इख्तलाफात में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज ना मान लें। पहली चीज क्या होनी चाहिए, आपसी इख्तलाफात के लिए जज किसे बनाना है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जरा देखें क्या मुसलमान इस मामले में खड़े हैं, जज किसे बनाना है, फैसल किसे बनाना है, फैसला किससे करवाना है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दूसरी चीज, सुम ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कदईता। ए रसूल, जब वो आपको अपना जज बनाए, यानी हदीस से फैसला लें कि हमारे मसाइल का हल क्या है, ये जो इस मसले में हमारे दरमियान इख्तलाफ है इसमें हदीस क्या कहती है, तो ए रसूल जो आपकी तरफ से फैसला मिले उसमें अपने दिल में तंगी महसूस ना करें। और तीसरी चीज, वयुसल्लिमु तस्लीमा, आपकी बात को खुशी खुशी तस्लीम कर लें। देखिए जब कोई मामला पे इख्तलाफी आता है तो पहली बात तो लोग जो है कुरान और हदीस को फैसल बनाते नहीं, जज बनाते नहीं। लेकिन अगर कभी जज बना लेते हैं तो एक दर्जा यह होता है कि इंसान ने जज तो बनाया कि चलो यार इस मसले को कुरान और हदीस से देखते हैं क्या है, लेकिन जब कुरान और हदीस से फैसला उसके मसलक के खिलाफ मिलता है तो दिल में वो घुटन महसूस करता है, कह रहे यार मैं उम्मीद ये लेकर आया था कि मेरे मसलक की बात ऊंची हो जाएगी, लेकिन ये क्या कि मेरे मसलक में जो था वो तो हदीस में सिरे से मिला ही नहीं। वरक गर्दानी करते रहे, मुफ्ती साहब से दलील मांगते रहे, लेकिन मेरे मसलक के मुताबिक दलील नहीं मिली। दलील किसके मुताबिक मिली, ये जिसे मैं बेदीन कह रहा था, जिसे मैं गैर मुकल्लिद कह रहा था, जिसे मैं गाली दे रहा था, जिससे मैं झगड़ रहा था, जिसको मैं बुरे बुरे अलकाबात से नवाज रहा था, दलील उसके मुताबिक मिल गई, वो सही कह रहा है, तो दिल में तंगी उसने महसूस की। अल्लाह ताला फरमाता है कि नहीं, ईमान नहीं। अगर दिल में ये तंगी आ गई तब भी ईमान नहीं है। कुरान और हदीस से फैसला लेने के लिए जाओ और वहां से जो फैसला मिले उसमें दिल में तंगी अगर आ गई तब भी ईमान में कमी है। तंगी नहीं आनी चाहिए, बल्कि जो चीज हदीस से साबित हो जाए उस पर दिल में खुशी होनी चाहिए कि चलो यार एक मसला हमें हदीस के मुताबिक पता चल गया। इंसान का दिल कुशादा हो जाना चाहिए। लेकिन अगर दिल में तंगी आ जाती है कि यार ये क्या हुआ, तो समझो ईमान में कमी है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि इंसान दिल में घुटन तो महसूस नहीं करता लेकिन उस चीज पर अमल भी नहीं करता। क्या कहता है, चलो यार कोई बात नहीं, ठीक है आपने हदीस दिखा दी, मैं गलत समझता था लेकिन यार आपने हदीस दिखा दी, चलो पता चल गया कि इस पर भी हदीस है, रफेदेन पर भी हदीस है, मैं तो यह समझता था कि बुतों की वजह से करते थे लेकिन अब पता चला कि इस वजह से नहीं करते थे, इस पर हदीस है, नबी का अमल है, कोई बात नहीं अमल करो, अब मैं एतराज तुम पर नहीं करूंगा, लेकिन यह है कि मैं फला मसलक के मुताबिक अमल करता हूं, वैसा ही करता रहूंगा। होता है ना, लोग ऐसे भी पाए जाते हैं कि कोई बात नहीं हदीस पता चल गई, अब से मैं तुमसे झगड़ूंगा नहीं लेकिन मैं अपना अमल वैसा ही करूंगा, नहीं तब भी ईमान में कमी है। अल्लाह तीसरा दर्जा फरमाता है वयुसल्लिमु तस्लीमा, फिर उसके मुताबिक अमल भी करना है, ऐसे नहीं उसके मुताबिक अमल भी करना है। हदीस से फैसला लेना है, दिल में कुड़न घुटन नहीं होनी चाहिए कि हदीस से यह मसला पता चला और फिर नजरअंदाज नहीं करना,
उसके मुताबिक फिर अमल करना है, अपने मसलक की जंजीरों को तोड़ देना है, अपने कदीम मसलक को छोड़ देना है। फिर ये नहीं सोचना हमारे इमाम का फतवा ये था, हमारे मसलक में इस तरीके से है, मैं तो फला मसलक का पैरोकार हूं, नहीं नहीं, बल्कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तलाफी मसाइल में, इख्तलाफात की सूरत में ये फरमाया कि मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना, खुलफाए राशिदीन के तरीके को लाजिम पकड़ लेना। अगर तुम लाजिम पकड़ोगे तो इंशाअल्लाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक रहोगे। हजरत इरबाज बिन सारिया रजी अल्लाह अन फरमाते हैं अबू दाऊद की हदीस, अनिल इरबाज बिन सारिया रजी अल्लाह अन्हु काल सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فس يرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود। حضرت عرباز بن ساریا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ہمیں جب فجر کی نماز پڑھائی, فجر کی نماز पढ़ाकर आप हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और आपने तकरीर फरमाई, आपने वाज फरमाया, और उस दिन आपने ऐसी तकरीर फरमाई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे और लोगों के दिल खौफ ज़दा हो गए, लोग डर गए और लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। एक शख्स ने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तो आपने ऐसी तकरीर फरमाई है, आज तो आपने ऐसा वाज फरमाया है जैसा ये आपके शायद आपका ये अलविदाई खिताब हो, आज आपने ऐसा वाज़ फरमाया है जैसे कि कोई शख्स विदा होने वाला होता है और वो चंद नसीहतें करता है, इस तरह का आपने वाज़ फरमाया है, शायद ये आपकी आखिरी नसीहत है, लिहाजा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुछ नसीहतें कर दीजिए, कुछ और वसीयतें कर दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं तुम्हें इस चीज की वसीयत करता हूं कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना और तुम इताअत व फरमाबरदारी करना। अगर तुम्हारा हाकिम एक हबशी गुलाम भी बना दिया जाए, अपने हाकिम की इताअत व फरमाबरदारी करना यानी हुक्मरानों के खिलाफ, मुस्लिम हुक्मरानों के खिलाफ खुरूज मत करना, मुस्लिम हुक्मरानों की इताअत व फरमाबरदारी करना। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया और याद रखो तुम में से जो लोग मेरे बाद जिंदा रहेंगे वो देखेंगे कि लोगों में बहुत ज्यादा इख्तलाफात हो रहे हैं, ऐसे इख्तलाफात की सूरत में फअलैकुम बिसुन्नती तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है। अल्लाह अकबर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई भी फरमाई कि लोगों में इख्तलाफात होंगे और पेशन गोई के साथ साथ फिर हुक्म भी दिया, इलाज भी बताया, उन इख्तलाफात से अलग रहने की सूरत क्या है, सूरत यह है कि मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना, मेरी इत्तबा पैरवी करना और खुलफाए राशिदीन जो हिदायत याफ्ता है उनकी पैरवी को लाजिम पकड़ लेना, उनके तरीके को लाजिम पकड़ लेना। खुलफाए राशिदीन का तरीका क्या था, सहाबा इकराम का तरीका क्या था, उनका तरीका भी यही था कि वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी किया करते थे। आपने इरशाद फरमाया मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लेना और दीन में नई नई चीजें ईजाद करने से बचना, इस वजह से कि दीन में हर नई चीज बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इख्तलाफात की सूरत में क्या हुक्म दिया, खुलफाए राशिदीन के तरीके पर चलना है, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना है, मेरी सुन्नत पर मजबूती से अमल करना है। और मेरे भाइयों, सहाबा इकराम की जब हम जिंदगियों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सहाबा इकराम अपनी पूरी जिंदगी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते रहे, उनका तरीका यही था। सहाबा इकराम का वस्फ ये था
कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा किया करते थे, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी किया करते थे। उनके सामने नबी का हुक्म आता, नबी का अमल आता, फौरन वो उनकी पैरवी करने लग जाया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन खलीफा बनते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से चंद दिन कबल आपने लश्कर उसामा तरतीब दिया था और हुक्म दिया था लश्कर उसामा रोमियों से जंग करने के लिए रवाना हो जाए, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात हो गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनते हैं। तो आपको बताऊँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सबसे पहला काम जो किया वो ये किया कि आपने हुक्म दिया कि लश्करे उसामा रवाना हो जाए। लोगों ने कहा, खलीफा रसूल, इस वक्त जो हालात हैं आप देख रहे हैं, बाज लोग मुर्तद हो गए हैं, बाज लोग अहले मदीना पर मुसलमानों पर हमला करना चाहते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात का गम अभी ताजा है, अगर इस्लामी फौज को मदीने से बाहर दूर दराज भेज दिया गया और उस फौज में बड़े बड़े सहाबाए कराम हैं, बड़े बड़े बहादुर हैं, नौजवान हैं, अगर इस फौज को बाहर भेज दिया गया तो दुश्मन कहीं ऐसा ना हो मदीने वालों पर हमला कर दे, आप ऐसा कीजिए, इस वक्त मत भेजिए, इस वक्त मत भेजिए। मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक का फरमान सुने और हम अपने ईमान को टटोलें कि क्या हमारे अंदर भी नबी की इत्तबा और पैरवी का यही जज्बा पाया जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कहा कि अगर मुझे दरिंदे खा लें, अगर मुझे दरिंदे उचक लें, तब भी मैं लश्करे उसामा को रवाना करूंगा जिसका हुक्म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में दिया था, और अगर मदीना बस्ती में मेरे सिवा कोई बाकी न रहे तब भी मैं उस लश्कर को भेज कर रहूंगा कि जिसको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में रवाना होने का हुक्म देकर गए हैं। किसी ने कहा, बल्कि लोगों ने नुमाइंदा बनाकर हजरत उमर बिन खत्ताब को भेजा कि अच्छा तो फिर ऐसा कीजिए, हजरत उसामा को इनका अमीर मत बनाइए, किसी और को अमीर बनाकर भेज दीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अभी तो बैठकर जवाब दे रहे थे, जब ये सुना कि अब मुझसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि किसी और को अमीर मुकर्रर कर दूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए और कहा, खबरदार, क्या तुम ये चाहते हो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसको अमीर मुकर्रर किया है मैं उसको हटा दूं और अपनी तरफ से दूसरा अमीर मुकर्रर कर दूं, मैं नबी की मुखालफत करूं, क्या तुम ये चाहते हो? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन वहां से पलट गए और सहाबा इकराम को जाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक का फैसला सुनाया कि अबू बकर सिद्दीक ये फरमाते हैं कि मैं लश्कर उसामा को भी रवाना करूंगा और हजरत उसामा की अमारत ही मैं रवाना करूंगा, उन्हीं को अमीर बनाकर रवाना करूंगा। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा हुक्म देकर गए हैं, हूबहू मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म को उसी तरीके से लागू करूंगा। यह है इत्तबा, यह है पैरवी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन, बुखारी शरीफ की हदीस, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन हजरे अस्वद के पास आते हैं, हम और आप भी तवाफ करते हैं, हजरे अस्वद के पास से कई मरतबा गुजर हुआ होगा। अल्लाह के हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन हजरत अस्वद के पास आते हैं तो हजरत अस्वद को मुखातब होकर कहते हैं, ए हजरत अस्वद, इन्नी अअलमु अन्नक हजरुन ला तदुर वला तनफउ वलौला अन्नी रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिलुका मा कब्बलतुका। ए हजरत अस्वद, मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, ना तू नफा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है, यानी मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता कि तू नफा का मालिक है या तू नुकसान पहुंचाने का मालिक है, बल्कि मैं तुझे चूमता इसलिए हूं कि मैंने अपने रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमता हुआ देखा है। वलौला इन्नी रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिलुका मा कब्बलतुका, अगर मैंने नबी को तुझे बोसा देते हुए न देखा होता
तो मैं तुझे ना चूमता। और फिर फरमाते हैं हजरत उमर, फमा लना वली रमली, आज हमें रमल की क्या जरूरत है। यानी रमल यानी तवाफ के शुरू के 3 चक्करों में छोटे छोटे कदमों के साथ तेज चाल चलना, थोड़ा से अकड़ कर चलना। मामला यह था, जब मुसलमान मदीने से काबे का तवाफ करने के लिए आए थे, उमरा करने के लिए आए थे, तो मुशरिकी ने मक्का ने कहा ये लोग मदीना गए थे, वहां जाकर बीमार हो गए, वहां की आबो हवा इनको रास नहीं आई, शायद ये कमजोर हो गए होंगे, चलो इनको देखते हैं, इनकी कमजोरी का मंजर देखते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुशरिकी ने मक्का की इस गुफ्तगू को, इस गुफ्तगू को वही के जरिए अपने नबी तक पहुंचाया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया शुरू के 3 चक्करों में रमल करना है, यानी अपने आप को मजबूत दिखाना है, छोटे छोटे कदमों के साथ तेज चाल चलना है, ताकि मक्का वाले देख लें कि मुसलमान कमजोर नहीं हुए हैं, मदीने की आबो हवा ने मुसलमानों को कमजोर नहीं किया है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं आज हमें रमल करने की क्या जरूरत है, यह तो मुशरिकीन को दिखाने के लिए था। वकद अहलकहुमुल्लाह, और अल्लाह ताला ने मुशरिकीन को हलाक कर दिया, अब यहां पर मुसलमानों की हुकूमत है, मक्का नबी के मानने वालों का है, मदीना नबी के मानने वालों का है, लिहाजा आज हमें रमल करने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर फरमाते हैं शैउन सनअहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला नुहिब्बु अन नतरकहु, लेकिन यह ऐसी सुन्नत है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यह काम किया है, लिहाजा मुझे यह पसंद नहीं कि मैं नबी के तरीके को छोड़ दूं। आप देखें हजरत उमर का जज्बा इताअत, जज्बा इत्तिबा और पैरवी, वो नबी की किस तरीके से पैरवी किया करते थे। कहते हैं अब तो कोई जरूरत नहीं है, ये तो मुशरिकीन ने मक्का को दिखाने के लिए था, लेकिन क्योंकि मेरे नबी ने यह किया है लिहाजा मैं पसंद नहीं करता कि नबी के तरीके को मैं छोड़ दूं। एक शख्स आए हारिस बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर के पास आए और आकर हजरत उमर से एक मसला पूछा। गौर करना जरा, हारिस बिन अब्दुल्ला ने एक मसला पूछा हजरत उमर से, तो हजरत उमर ने मसले का जवाब दिया, तो हारिस बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने यह कह दिया कदालिक अफ्तानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही फतवा मुझे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी दिया था। यानी यह मसला जो मैंने आपसे पूछा है आपने जवाब दिया है, यही मसला मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही जवाब दिया था, कोई बड़ी बात हो गई? अगर हम सोचें कोई ऐसी बात लगती है, क्या कहा था उन्होंने, सिर्फ यही तो कहा था, एक मसला पूछा हजरत उमर से, हजरत उमर ने जवाब दे दिया बहुत आराम से, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने आपसे पूछा है लेकिन आपसे पहले मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आपकी जिंदगी में यह मसला दरियाफ्त किया था और आपने मुझे यही जवाब दिया था जो आपने दिया है ना आम बात। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह अकबर इस बात पे भी नाराज हो गए और इस बात को पसंद नहीं किया जो बात नबी से पूछ ली गई, जिसमें नबी से रहनुमाई मिल गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि उमर से उस मसले को दरियाफ्त करो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, हदीस में आता है फगज़बा गज़बन शदीदा, हजरत उमर सख्त गुस्सा हुए और फरमाया सअलतनी अन शैइन सअलत अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकैमा उखालिफा, कि तुमने ऐसी बात पूछी है अरिबता अन यदैका, अरिबता अन यदैका, तुम्हारे हाथ टूट जाएं, तुमने मुझसे ऐसा मसला दरियाफ्त किया जो तुम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ चुके थे, क्या मैं नबी की मुखालफत करूंगा या तुम यह चाहते हो कि जो मसला नबी ने बताया मैं उसके खिलाफ बता दूं। गोया के हजरत उमर फरमा रहे हैं जब नबी से तुमने पूछ लिया और तुमको जवाब मिल चुका था तो तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई कि सेम मसला फिर मुझसे दरियाफ्त करो, ये ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था। यह था जज्बा इत्तिबा पैरवी, जो मसला नबी से पूछ लिया
तुम्हें ज़रूरत नहीं थी कि मुझसे दरियाफ्त करो। आज देखो कि हदीस से मसला साबित होता है, लोगों के सामने वजाहत कर दी जाती है हदीस में मसला यह है, लेकिन उसकी कोशिश ये होती है हमारे मसलक वालों का इस पर क्या अमल है, हमारे मुफ्ती साहब पर का इस पर क्या फतवा है। हदीस से मसला पता चल गया लेकिन हमारा मसलक इसमें क्या कहता है, फलां का मसलक इसमें क्या कहता है। जबकि हजरत उमर फरमाते हैं कि नबी की बात आ गई तो अब उमर से पूछने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा, देखें सहाबा इकराम का जज्बा इताअत पैरवी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, इब्ने माजा की हदीस है और इसका एक हिस्सा बुखारी शरीफ में भी आया है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ला तमनउ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को यानी ख्वातीन को मस्जिद में नमाज पढ़ने से मत रोको। अगर वो घर में पढ़ना चाहें कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई खातून मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहती है, आपने फरमाया औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना मत करो। उनके एक साहबजादे वहीं थे, उन्होंने कहा इन्ना लनम नउहुन्ना, हम तो रोकेंगे। इन्होंने क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल फरमाते मत रोको, कहा हम तो रोकेंगे, उनकी जबान से निकल गया हम तो रोकेंगे। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फौरन गुस्सा हुए और सख्त गुस्सा हुए और फरमाया उहद्दिसुका अर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तकूल इन्ना लनमनउहुन्ना, मैं तुमसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस बयान कर रहा हूं कि मत रोको, और तुम ये कह रहे हो कि हम तो रोकेंगे। अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाएं, जरा गौर फरमाएं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर किस चीज पर नाराज और खफा हो रहे हैं। इस चीज पर खफा हो रहे हैं कि नबी की हदीस बयान की जा रही है और तुम उसकी मुखालिफत करते हुए कह रहे हो कि हम तो रोकेंगे। क्या आज मुख्तलिफ मसालिक में ऐसा नहीं हो रहा है? मुसलमानों में निगाह डालो, मुसलमानों के मुख्तलिफ मसालिक को देखो, क्या ऐसा नहीं है कि उनके दरमियान हदीस की सरीह मुखालफत की जाती है? हदीस यह कहती है, लेकिन नहीं, हम तो हदीस इसके खिलाफ ऐसा करेंगे। क्यों? इस वजह से कि हमारे मसलक में ऐसा है, इस वजह से कि फला फिकह की किताब में ऐसा है, इस वजह से कि हमारे मुफ्ती साहब ऐसा फरमाते हैं, इस वजह से कि हमारे आलिम साहब ऐसा फरमाते हैं। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम की सीरत हमें यह बताती है कि वो हर हाल में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले थे। उन्होंने कोई फिरका नहीं बनाया। आप देख लीजिए सहाबा इकराम की जिंदगी, किसी ने अपने आप को सिद्दीकी नहीं कहा, किसी ने अपने आप को फारूकी नहीं कहा कि मैं तमाम मसाइल में, जिंदगी के तमाम मसाइल में हजरत उमर की मैं तकलीद करूंगा। किसी ने यह नहीं कहा कि मैं जिंदगी के तमाम मसाइल में हजरत अबू बकर सिद्दीक की मरते दम तक तकलीद करूंगा। किसी ने अपने आप को उस्मानी नहीं कहा, किसी ने अपने आप को अलवी नहीं कहा, किसी ने अपने आप को हुसैनी नहीं कहा, किसी ने अपने आप को हसनी नहीं कहा, किसी ने फिरके नहीं बनाए, मसलक नहीं बनाए शख्सियात की बुनियाद पर कि मैं तमाम जिंदगी तमाम मसाइल में फला शख्सियत की पैरवी करूंगा। ये मेरे नजदीक ज्यादा इल्म वाले हैं, ये मेरे नजदीक ज्यादा मर्तबे वाले हैं। जबकि आप देखें सहाबा इकराम में ये होता था कि वो मसले दरियाफ्त किया करते थे, वो दूसरे सहाबा इकराम के पास जाकर, वो किबार सहाबा इकराम के पास जाकर, अपने से ज्यादा इल्म वालों के पास जाकर मसले पूछा करते थे, लेकिन किस नीयत से? इस नीयत से कि वो हदीस की रोशनी में हमको जवाब देंगे, वो कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब देंगे। वो उन शख्सियात की बुनियाद पर अलग अलग मसलक नहीं बनाया करते थे। और हदी और जन्नत में जाने का वाहिद रास्ता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी, जन्नत में जाने का वाहिद रास्ता, और जो नबी की इताअत और फरमाबरदारी ना करे वो गोया के जन्नत में जाने से इनकार करता है।
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا رواہ البخاری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول انکار کون کرے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ انکار کر دیا، اس نے جنت میں جانے سے منع کر دیا۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کی اتباع و پیروی کا ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ کر اور اس کے بعد ایک حدیث اپنی بات ختم کروں۔ ایک بڑا پیارا واقعہ وہ مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت اچانک، آئیے میں وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہمارے ایمان کو تازگی مل سکے۔ صحابہ پیروی کس طرح کی کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، قربان جائیے صحابہ اکرام پر۔ صحابہ پیروی کس طرح کی کیا کرتے تھے؟ ان کے کانوں میں نبی کی آواز پڑی فوراً مان لیتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال یا عبد اللہ ابن مسعود۔ فرماتے ہیں حضرت جابر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں سے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ کن لوگوں کے لیے تھا یہ حکم؟ جو مسجد میں تھے بھائی، انہی کے لیے حکم تھا نا، بیٹھ جاؤ۔ کہا بیٹھ جاؤ تو کہتے ہیں حضرت جابر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت مسجد کے دروازے پر تھے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے صحابہ اکرام کے جذبہ اتباع پر، نبی کی کیسی پیروی کیا کرتے تھے، اتباع کا کون سا نمونہ انہوں نے پیش کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کانوں میں آواز پڑی نبی کی، بیٹھ جاؤ، تو مسجد کے دروازے پر وہیں پر بیٹھ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم حضرت عبداللہ ابن مسعود پر پڑی تو کہا عبداللہ اندر تشریف لے آؤ۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ تھا، یہ طریقہ تھا، یہ ان کا وصف تھا۔ نبی کی بات آئی کانوں میں تو فوراً کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم نے اطاعت و فرما برداری کر لی۔ جب مسجد کے دروازے پر تھے، اگر وہ چاہتے تو مسجد کے اندر آ کر بیٹھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے منہ پھیرنا گوارا نہیں کیا، بلکہ نبی کی آواز کانوں میں آئی بیٹھ جاؤ، مسجد کے دروازے ہی پر جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے۔ وہ تو اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی تو آپ نے فرمایا عبداللہ اندر تشریف لے آؤ، اندر آ کر بیٹھو۔ یہ تھا ان کا جذبہ، یہ تھا ان کا انداز، یہ تھا ان کا وصف۔ صحابہ اکرام کا یہ وصف تھا ما ترکت منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس چیز کو جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تب سے ہم نے اس چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کی زبان پر یہ جاری ہوا کرتا تھا کہ جب سے میں نے سنا ہے میں نے اس چیز کو نہیں چھوڑا ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، نبی کی سنت سے، نبی کے طریقے سے منہ موڑنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا ہیلے بہانے ہیں۔ کوئی اس وجہ سے نبی کے طریقے کو چھوڑتا ہے، کوئی اس کے لیے یہ ہیلہ بہانہ تلاش کرتا ہے۔ مولانا صاحب بتائیے کیا یہ چیز فرض ہے، کیا یہ چیز واجب ہے؟ میں نے مان لیا یہ چیز حدیث سے ثابت ہے، لیکن بتائیے کیا اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، کیا اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی؟ آپ لکھ کر دے دیجئے کہ اس عمل کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں یہ چور دروازے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے، اپنے مسلکوں کی تقلید کے لیے مسلمانوں کے یہاں یہ چور دروازے ہیں کہ ذرا یہ بتائیے کیا اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، جبکہ صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ یہ منہ شگافیاں نہیں کیا کرتے تھے، وہ ان چیزوں میں، ان چکروں میں نہیں پڑا کرتے تھے، بلکہ ان کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آتی، نبی کا عمل آتا، فوراً وہ عمل کیا کرتے تھے۔
और फिर लोग कहते हैं अरे इतने बड़े इमाम थे, उनका ये मकाम है, उनका ये मर्तबा है, उनकी ये खिदमात हैं, उनका ये तकवा है, उनका ये वरा है, उनके बारे में फलाने ये कहा है, उनकी शान में फलाने ये कहा है। आइए आपके सामने एक वाकया पेश करूं, दारमी का वाकया, मुकदमा दारमी में ये वाकया। हजरत जाबिर रवी अल्लाह अन फरमाते हैं अता अन्ना उमर इब्न अल खत्ताब रवी अल्लाह अनहु अता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनुस्खत मिन التوراه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال أبو بكر رضي الله عنه ثقلتك الثواكل يا عمر ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر عمر رضي الله عنه إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدأ لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني الله أكبر ایسا سنہرا واقعہ جو تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے تمام مسلمانوں کو ان مسلمانوں کو جو نبی کے طریقے کو چھوڑ کر نبی کی اتباع و پیروی کو چھوڑ کر اپنے اپنے مسلکوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اپنے علماء کی اپنے بزرگوں کی اپنے ائمہ کی شان بیان کر کے ان کی بزرگی بیان کر کے ان کے بارے ان کی شان میں اقوال بیان کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے یہ بڑے علم والے تھے یہ بڑے ورع والے تھے یہ تقوی والے تھے ہم ان کی بات مانتے ہیں یہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں اس واقعے کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سماعت فرمائیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ توریت کا ایک نسخہ لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ توریت کیا ہے کیا کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے کیا کسی عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے کیا کسی فقی کی مرتب کی ہوئی کتاب ہے نہیں نہیں یہ توریت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر نازل فرمائی یہ توریت اللہ کی کتاب اس توریت کا نسخہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ توریت کا نسخہ ہے یہ توریت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں حضرت عمر توریت لے کر آئے کوئی دنیاوی کتاب نہیں آسمانی کتاب لے کر آتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ توریت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اب اس توریت کو پڑھنا شروع کر دیا ابھی تو صرف یہ فرمایا تھا یہ توریت ہے نبی خاموش ہو گئے نبی نے کوئی رد عمل نہیں کیا حضرت عمر نے توریت کو پڑھنا شروع کر دیا اللہ اکبر تمام نبیوں کے امام تمام رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور جن کی پیروی کا حکم دیا جن پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا جن کو قیامت تک کے لیے اسوہ بنانے کا حکم دیا گیا ان کی موجودگی میں توریت پڑھی جا رہی ہے حضرت عمر نے توریت کو پڑھنا شروع کر دیا الفاظ سنیں حضرت جابر فرماتے ہیں حضرت عمر نے توریت کو پڑھنا شروع کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا آپ غصہ ہونے لگے اللہ اکبر کہاں ہیں ائمہ کہاں ہیں فقہ کس کی تقلید کس کی بیڑیاں حضرت موسیٰ کو جو کتاب دی گئی نبی کی موجودگی میں وہ کتاب پڑھی جا رہی ہے اور نبی علیہ السلام غصہ ہو رہے ہیں آپ علیہ السلام غصہ ہو رہے ہیں حضرت عمر نیچے دیکھ کر توریت پڑھ رہے ہیں حضرت ابو بکر نے فرمایا اے عمر گم کرنے والیاں تمہیں گم کر دیں یعنی تمہاری ماں تم کو گم کر دے اے عمر توریت پڑھ رہے ہو ذرا نبی کا چہرہ تو دیکھ لو ادھر تم توریت پڑھ رہے ہو نبی کا غصہ تو دیکھ لو حضرت عمر نے نگاہ اٹھائی حضرت عمر نے نگاہ اٹھا کر نبی کے چہرے کو دیکھا اور لرز گئے اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ میں اللہ کی پناہ میں
آتا ہوں اللہ کے غضب سے، اللہ کے رسول کے غضب سے، اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو نبی مانا ہے، میں اسلام کو دین مانتا ہوں، اے اللہ کے رسول میں اسلام کو دین مانتا ہوں، آپ پر ایمان لایا ہوں۔ یعنی توریت کو پڑھنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ میں اسلام سے پھر گیا ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کو رب ماننے پر راضی ہوں، میں آپ کو نبی ماننے پر راضی ہوں، میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر سنو، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آج حضرت موسیٰ بھی تمہارے درمیان آ جائیں اور تم میرے بجائے موسیٰ کی پیروی کرنے لگو، لَوَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سیدھی راہ سے گمراہ ہو گئے۔ اگر تم موسیٰ کی پیروی بھی کرنے لگو تم سیدھی راہ سے گمراہ ہو گئے۔ کہاں ہیں وہ، کہاں ہیں اقوال، ہمارے امام کی یہ شان، ہمارے امام کی وہ شان، ہمارے امام بڑے علم والے، ان کی تقلید پر اجماع، ان کی تقلید پر اتفاق، ان کی تقلید فلانے کی، ان کی تقلید فلانے کی۔ ارے یہ تو دنیاوی، یہ تو دنیاوی لوگ تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں موسیٰ آ جائیں نبی اور تم ان کی پیروی کرنے لگو، میرے بجائے ان کی پیروی کرنے لگو، لَوَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تب بھی تم سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور آپ نے فرمایا اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے اور میری نبوت کو پا لیتے تو وہ بھی میری ہی پیروی کرتے۔ گویا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کی پیروی قابل قبول نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ہوتے ہوئے کسی کا طریقہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضرات محترم ہم دعوت دیتے ہیں تمام مسلمانوں کو، آؤ اختلافات کو ختم کرو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی پر یکجا ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ اور اپنے اختلافات کو، اپنے تنازعات کو ختم کر لو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں توحید پر زندہ رہیں، اور اے اللہ جب موت آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری موت آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔